हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर सेकंड, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हमारे स्टैंडर्ड 10th का है। और पाइथागोरस थ्योरम मतलब क्या होता है कि पाइथागोरस जो होता है हमारा 90 डिग्री एंगल में आता है। जहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल कोई भी कोण बनता है। देखो दोस्तों, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मेरे हिंदी मीडियम के बच्चे लोगों के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम के लिए भी है। मैं लिख रहा हूँ इंग्लिश में, पर मैं आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों में भी बताऊंगा इसको। पाइथागोरस एक साइंटिस्ट है, उन्होंने 90 डिग्री के लिए एक फॉर्मूला निकाला कि कभी कोई भी ज्योमेट्री अगर आप लोग कर रहे हो, ज्योमेट्री अलजेब्रा कुछ भी कर रहे हो, कहीं पर भी अगर 90 डिग्री एंगल का कोई भी सम आता है आप लोगों के सामने, तो वहां पे आप ये पाइथागोरस थ्योरम लगा करके बड़े ही सिंपल तरीके से आप लोग अपना सम निकाल सकते हो। तो ये है पाइथागोरस थ्योरम। तो आज मैं उसमें ही एक्सरसाइज नंबर 2.2, मैं काफी लेट हो गया, 2.1 नहीं करते, 2.2 कर, 2.1 भी आप लोगों को बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। तो मैं 2.2 का कुछ क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ मैं, कि जिसमें आप लोगों को एक नया थ्योरम लगेगा, नया प्रमेय लगेगा, अपोलिनियस थ्योरम। क्या लगेगा आप लोगों को? ये अपोलिनियस थ्योरम। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ट्रायंगल PQR पॉइंट S इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR। If PQ is 11, PR is 17, PS is 13, then find QR। तो बच्चों मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ, मैं ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि डायग्राम, क्वेश्चन पढ़ करके आप लोगों को डायग्राम बनाना आना चाहिए और डायग्राम देख करके आप लोगों को क्वेश्चन बनाना आना चाहिए, क्वेश्चन समझना आना चाहिए। तो जैसे कि अभी ये क्वेश्चन बोल गए ट्रायंगल PQR, तो सबसे पहले ना अभी जैसे कि आप लोग टेक्स्ट में इसको क्वेश्चन नहीं डायग्राम नहीं दिया हुआ, सिर्फ क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप लोगों को समझना कैसे होगा? अगर बोला गया ट्रायंगल PQR, तो ट्रायंगल PQR से पहले आपको बनाना है एक ट्रायंगल, बनाना है ट्रायंगल PQR। तो मैं जो बनाता है PQR, इसमें ये बोल दिया गया है कि S इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR। हिंदी मीडियम के बच्चे लोग भी इसको देख के थोड़ा समझ सकते हैं। S इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट यानी क्या होता है? मध्य बिंदु। क्या होता है ये? मध्य बिंदु होता है। तो S इज अ मिड पॉइंट ऑफ, S इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR। तो जो साइड QR ये है, तो इनका जो मिड पॉइंट है, क्या ये मिड पॉइंट हमारा S है। और अभी जब ये S पॉइंट है तो ये पॉइंट कहीं ना जाके जुड़ेगा, तो हमारा एक ही पॉइंट है जो जुड़ने के लिए P S। और ध्यान रखना बच्चों के जो मिड पॉइंट होता है, जो भी मिड पॉइंट होता है, मतलब जो भी मध्य बिंदु होता है, वो दोनों भी जो उसके आसपास, जैसे ये हो गया, ये अभी मध्य बिंदु S है, अगर मिड पॉइंट S है तो QS इक्वल्स टू होगा SR के, बिकॉज अभी मिड पॉइंट यानी कि सेंटर में, बीच में, जैसे साइड QR है, तो QR के मिड पॉइंट अगर S है तो जितना QS रहेगा उतना ही हमारा SR भी रहेगा, उतना ही हमारा SR भी रहेगा। तो इस तरीके से अब देखिए आप लोगों का बोला गया है कि PQ, जो साइड PQ बोला गया 11 है, साइड PQ 11 बोला गया है, और साइड PR बोला गया हमारा 17, और PS हमें दिया गया 13, PS दिया हमें 13 दिया हुआ है। देन फाइंड QR। अब हमें फाइंड करना है कि QR, ये जो बड़ा वाला है, ये बड़ा लाइन है, ये साइड QR है, ये ही हमें फाइंड करना है। अब साइड QR फाइंड करना है तो इसको हम कैसे करेंगे? देखो बच्चों कि यहाँ पर 90 डिग्री भी कहीं दिया नहीं गया कि हमें पाइथागोरस थ्योरम लगा करके सम निकाल दें, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अपोलिनियस थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अपोलिनियस थ्योरम लगाएंगे। अब अपोलिनियस थ्योरम हिंदी मीडियम बोल सकते हो इसको, अपोलिनियस का प्रमेय बोल सकते हो या अपोलिनियस का नियम बोल सकते हो। तो अपोलिनियस का थ्योरम देखो, स्टार्ट करते हैं। कभी भी ज्योमेट्री कर रहे हो, सबसे पहले आप लोग गेबल देखते हो, जो कि हिंदी में इसको दत्त कहते हैं, गिवन। अब गिवन में क्या लिखते हैं हम लोग? जो भी हमें दिया जाता है सब लिख देते हैं। अभी यहाँ पे हमें QR दिया हुआ है, सॉरी QR नहीं, हमें हमें PQ दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है 11, PQ हमें 11 दिया है, यानी हमें PR दिया हुआ है 17 दिया हुआ है, और हमें PS भी दिया हुआ है 13। दोस्तों इस वीडियो में थोड़ा बार बार आप लोगों को ट्रेन का आवाज़ सुनाई देगा, ट्रेन का हॉर्न का आवाज़ सुनाई देगा, ट्रेन का हॉर्न का आवाज़ सुनाई देगा, तो प्लीज उसको थोड़ा सा आप लोग थोड़ा समझ के वीडियो को थोड़ा हैंडल करना। अब हम देखते हैं PQ हमें दिया था 11, PR दिया हुआ 17, PS दिया हुआ 13, और हमें अभी जो जो भी हमें दिया रहता है उसको गिवन लिखते हैं, और जो निकालना होता है,
अभी ऐसे निकालना है मुझे, फाइंड करना है क्यू आर, तो लिखूंगा टू फाइंड। अब टू फाइंड क्या करना है मुझे, क्यू आर, क्या फाइंड करना है मुझे, क्यू आर फाइंड करना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जिन्हें ये अच्छे से नहीं पता होता है, और बोर्ड के एग्जाम में आप लोगों को, बच्चों को बोर्ड एग्जाम में जो ये गिवन टू फाइंड ये सब लिखते हैं ना, अगर तीन में क्वेश्चन आएंगे तो इससे भी कम से कम आधा नंबर तो बच्चों को मिल जाता है। इसलिए बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गिवन लिखना, टू फाइंड लिखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे सामने वाला जो चेक करेगा समझेगा कि बच्चों को आता है, बच्चों को समझ में आता है, तभी तो बच्चे ने इतना लिखा है। लिखा अब सॉल्यूशन स्टार्ट। सॉल्यूशन जैसे हिंदी मीडियम में बोलते हैं, हिंदी के बच्चे लोग बोलते हैं कि हमें इसको उत्पत्ति, क्या कहते हैं इन्हें बच्चे, उत्पत्ति कहते हैं। तो जैसे और इंग्लिश मीडियम में बच्चे लोग बोलते हैं सॉल्यूशन, तो बच्चे लोग सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो अपोलिनियस थ्योरम से मुझे स्टार्ट करेंगे। अब अपोलिनियस थ्योरम क्या रहता है कि जैसे कि हमारा हो गया लेफ्ट साइड, ये हो गया हमारा राइट साइड, और ये हमारा सेंटर, मतलब कि ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा मिड पॉइंट का जो लाइन है, और इसको बोलते हैं बॉटम। तो क्या करना होता है, मान लीजिए लेफ्ट साइड का स्क्वायर जैसे कि PQ का स्क्वायर, फिर प्लस करने का राइट साइड का स्क्वायर, यानी कि क्या है हमारे पास PR स्क्वायर, फिर यानी इक्वल टू करने का, देन इक्वल टू करने का जो मिड पॉइंट है, जो बीच में से जो लाइन गया है PS, जो बीच में से जो लाइन गया है PS, उनको डबल टाइम स्क्वायर करने, डबल टाइम यानी क्या, डबल टाइम यानी कि ट्वाइस, यानी दो, टू इंटू पी एस स्क्वायर। और उसके बाद जैसे यहाँ पे नीचे आप लोगों को दो है ना, क्यू एस या एस आर दोनों भी इक्वल है, चाहे क्यू एस ले लो या एस आर ले लो, उनको भी टू में इंटू कर देंगे। जैसे क्यू एस ले लो, मैं यहाँ पे क्यू एस का स्क्वायर लिख देता हूँ। और बच्चों तो ये जो अभी हमने जो निकाला, ये क्या है हमारा बाय अपोलिनियस थ्योरम। इसको हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं अपोलिनियस प्रमेय अनुसार, या फिर हम लोग लिख सकते हैं अपोलिनियस के नियम अनुसार लिख सकते हैं हिंदी मीडियम बच्चे लोग, और इसमें बाय अपोलिनियस थ्योरम। अभी बच्चों में आप लोगों को एक बार बताऊंगा कि अभी ज्यादातर लोग जो भी सिखाते हैं कहीं भी स्कूल क्लास में कहीं बताते हैं, तो उन लोग क्या करेंगे, पहले वो थ्योरम को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे बाद में, पर बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मेरा क्या कहना है कि जब बच्चों को सम सिखा रहे हो ना, तो उसी सम्स में ही हम लोग वो थ्योरम सिखा सकते हैं। अभी जिस तरीके से मैंने बताया कि लेफ्ट साइड एंड राइट साइड का स्क्वायर, देन इक्वल टू, जो मिडिल लाइन गए, जो भी मिडिल लाइन आपका जाएगा इस सम में, उनको टू से, उनको दो गुने से कर, उनको टू टाइम हमें स्क्वायर करना है। एंड जो नीचे जो बॉटम का जो लाइन है, इनको भी कर, जैसे क्यू एस या एस आर, किसी भी एक लाइन को हम लोग दो गुना है, हम लोग ट्वाइस टाइम स्क्वायर करेंगे। अब ये हुआ, अब आगे हम सम पे आते हैं। सम अभी देखिए, अभी जैसे कि अभी हमें दिया हुआ है, अभी हमें पी क्यू के पहले हमें आई है 11 है, 11 का स्क्वायर, एंड पी आर भी हमारा आ चुका है, पी आर हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है 17 है, पी एस हमें दिया है, यस पी एस दिया हुआ 13, तो 2 हम ऐसे रखेंगे और 13 को पी एस के जगह 13 करेंगे इनका स्क्वायर, देन 2 या ऐसे, और क्यू एस हमारे पास नहीं है, दोस्तों हम ऐसे रखेंगे, ये देखेंगे। अब 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121, कितना होता है ये 121 प्लस। अभी 17 का स्क्वायर, जैसे कि अभी आप बच्चों आगे देखिए, मैं सिखा देता हूँ कि अगर किसी को स्क्वायर नहीं याद है, किसी को स्क्वायर नहीं आ जाएगा, वो स्क्वायर निकालना कैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कभी मुझे निकालना 17 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर किसी है, 17 को 17 से ही मल्टीप्लाई करो, 7 49, 9 4 7 4 1 11 जाएगा, 1 7 7 1 1 जाओ 1 9 7 8 288, कितना है ये 288, ये मेरा 17 का स्क्वायर रहेगा 289। दोस्तों बच्चों आप लोगों को एक बार बताऊंगा मैं, किसी का भी अगर आप लोगों को स्क्वायर निकालना है तो उसको उससे ही एक बार मल्टीप्लाई करो। जैसे कि अगर मुझे 4 का, अभी सबको पता है कि 4 का स्क्वायर कितना 16 होता है, पर एक चीज़ आप एक बार प्रैक्टिकल करके देखो, जैसे कि 4 है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 फोर 16, ये हमारा स्क्वायर क्या मतलब, उसको ही 2 टाइम मल्टीप्लाई, वही नंबर 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई होता है, उसको ही हम बोलते हैं स्क्वायर। और अगर वही क्यूब रहेगा, तो हमें इसको 3 को मल्टीप्लाई करना होगा, हमें इसको
फिर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगे। अभी देखिए ये टू ऐसे रहेगा, थर्टीन स्क्वायर सबको पता है 169 कितना होता है, ये 169 अगर आप लोगों को नहीं आता तो आप लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। तो 169 मैं आप लोगों को एक एक बेसिक से समझा सिखा रहा हूँ, इसमें आप लोगों को बेसिक्स भी बताते रहूंगा, प्लीज फोकस। अब 121 प्लस 289, अब देखिए 121 प्लस 289, अभी देखिए ये 200 ये 100 300 हो गया, 89 में 1 करेंगे कितना होगा हमारे पास, ये हो जाएगा 390 तो 390 प्लस 20 410 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 410 जाएगा, ये हमारे पास हो गया 410 हो गया। देन आफ्टरवर्ड्स 169 इंटू 2, अभी 169 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्या होगा कि देख लेते हैं। ध्यान रखना कि अगर आप लोगों को कोई भी चीज 2 से डिवाइड होगा या 2 से मल्टीप्लाई होगा, अगर 2 से डिवाइड होगा तो उसका आधा हो जाता है, 2 से मल्टीप्लाई होता है तो उसका डबल होता है। अब 169 का डबल कितना होता है, अभी जो बच्चों को आता है वो तो डायरेक्ट डबल कर देंगे, और बहुत सारे बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं रहता तो क्या करें, वो सेम ऐसे मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 9 18 18 1 2 6 12 1 13 3 2 2 3 कितना होता है 338, कितना होता है हमारे पास, ये 338। देन 2 क्यू एस हमारे पास नहीं है, इसको हम ऐसे भी रखेंगे। अब आप लोगों को क्या रहेगा, देखिए जैसे कि ये नंबर अल्फाबेट्स है, जैसे कि ये अल्फाबेट्स है तो ये नंबर संख्या रहेगा नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे ये राइट हैंड साइड में इसको हम लोग शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और जब शिफ्ट होगा तो जैसे बच्चे आपको पता होगा कि कभी भी अगर कोई भी नंबर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आता है या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाता है तो उनका साइन चेंज हो जाता है, अगर प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा, माइनस रहेगा तो प्लस, मल्टीप्लाई रहेगा तो जाके डिवाइड होगा, डिवाइड रहेगा तो जाकर के मल्टीप्लाई हो जाता है। जिस तरीके से अभी 38 कितना यहाँ पर हमारे पास है प्लस में, वहां पर अगर माइनस में हो जाएगा, आओ करके देखिए एक बार, 410 माइनस 338 इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर। अभी 410 में से 338 जाता है तो कितना बचेगा, 410 में से 338 जा रहा है तो कितना बचेगा, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास बचेगा, यहाँ पर 62 प्लस 10 72 कितना होगा हमारे पास, ये 72 इंटू 2 क्यू स्क्वायर। अब बच्चा देखो अभी यहाँ पे क्यू स्क्वायर। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर प्लेस नहीं, मैं थोड़ा ऊपर आप लोगों को बताता हूँ, मैं प्लेस कॉपरेट नहीं क्यू स्क्वायर, अभी 32 2 स्क्वायर। अभी ये देखिए 2 यहाँ पर नंबर है और ये अल्फाबेट्स है तो 2 तो इनके साथ रहेगा, तो अगर 2 इनके साथ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। देन मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसको भी आप लोग इसको इस तरफ लिख सकते हैं, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पे आएगा डिवाइड हो जाएगा 72 डिवाइड बाय 2 का कितना हो जाएगा, डिवाइड कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36, क्योंकि कभी 2 से अगर कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उनका जाके हाफ, उनका जाके वो हाफ बन जाता है। अब 2 यहाँ पर डिवाइड 36 हुआ। अब ये स्क्वायर है, कभी भी स्क्वायर को इस तरीके से हम लोग कभी भी छोड़ते नहीं है, तो उसको हम शिफ्ट करते हैं नंबर के ऊपर। अगर स्क्वायर है तो वहां पर स्क्वायर रूट बन जाता है, ये कितना निकलेगा 6, तो हमारे पास कितना आया 6, तो क्यूएस हमारे पास कितना हो गया 6 हो गया, क्यूएस हमारे पास 6 हो गया। अब क्यूएस 6 हुआ तो जितना क्यूएस है उतना ही एसआर भी है, तो इसको हम लोग बच्चों इस तरीके से लिख सकते हैं कि QS = SR = 6, बिकॉज ऑफ QS की वैल्यू कितनी आई थी 6 आई थी, तो जितना QS है उतना SR भी है बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट, तो SR 6 हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास SR भी कितना आया 6 आ गया। और जैसे बच्चों हमें फाइंड करना था यहाँ पे QR, क्या फाइंड करना था हमें QR फाइंड करना था, तो बच्चे जैसे आप लोग बताए कि QR कितना होगा, QR जो हमारा इतना बड़ा है उसके बीच में S, तो QS प्लस SR मिलकर के हमारे पास QR हो रहा है, QS प्लस SR मिलकर के हमारा होगा QR होगा। देन अभी QR QS की वैल्यू 6 है, SR की वैल्यू भी 6 है, तो QR = 12, QR =
12 आया और हमें यही फंड करना था कि y = 12। बच्चों अभी अगर आप चाहो तो इसको वापस देख सकते हो और इसको आप लोग अगर अगर आपको बाद में लिखना है या बाद में दोबारा समझना है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।